धार जिले के राजगढ़ स्थित मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक कैलाश चंद्र आर्य ने 18 किसानों के साथ मिलकर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर 96 लाख रुपए का किसान क्रेडिट लोन स्वीकृत कर दिया था। कैद के बाद राजगढ़ पुलिस ने जांच के उपरांत मैनेजर व 18 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सरकार की योजनाओं को आदिवासी बाहुल्य धार जिले में बैंक अधिकारी किस प्रकार पलीता लगा रहे हैं, ऐसा एक मामला राजगढ़ में देखने को मिला, जहाँ सन 2015 में नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, जो की वर्तमान में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक है, की शाखा से बांधगढ़ के 18 किसानों के साथ मिलकर शाखा प्रबंधक कैलाश आर्य निवासी उज्जैन ने किसान क्रेडिट कार्ड पर फर्जी खसरा खाता नकल व अभिलेख तैयार कर 96,45,000 रुपए स्वीकृत कर बैंक के साथ धोखाधड़ी की, जिसकी शिकायत पर राजगढ़ पुलिस ने जांच के पश्चात बैंक मैनेजर सहित 19 किसानों के खिलाफ 420 सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट। ये बैंक में लोन लेके गबन किया है इन लोगों ने, उसमें कल राजगढ़ थाने में मुकदमा कायम किया गया। मैंने दोबारा जांच करके उसमें करीब 96 लाख रुपए गबन हुआ है और उसमें 19 लोग उलझे हैं। तत्कालीन बैंक मैनेजर भी, जिसने देखा करके वो अपना लोन दिया है, बैंक को नुकसान हुआ है, इसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। कितने समय पुराना मामला है सर ये? ये है 1500। और लोन किन बातों को लेकर दिया गया, किस चीज़ पे लोन लिया गया सर? ये भी इंक्वायरी का विषय है। इसमें सर दलालों का भी बड़ी भूमिका बताई जा रही है, क्या दलालों पर भी FIR होगी? बिल्कुल, अलग से नहीं होती है, दलालत में कार्रवाई, ऐसी एविडेंस आता है तो बिल्कुल कार्रवाई होती है, चाहे जो भी।